तो हरियाणा मांगे हिस्सा आपको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतनाम सिंह विर्क ने जनसंपर्क अभियान के तहत आज पिहोवा के कई गांवों का दौरा किया। तो सतनाम सिंह विर्क ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में मंगेश साहब को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिल रहे हैं, तो पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। विर्क ने कहा कि अब समय बदलाव का आ चुका है, लोगों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि लोग भाजपा से काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कर्मचारी या सभी लोग भाजपा से परेशान है, तो अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। देखिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। भाजपा के 10 साल के शासनकाल में जो हरियाणा की जनता को और देश की जनता को लूटा गया, उसके लिए हमारे प्रिय नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सांसद हैं, जो रोहतक से हमारे नेता हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार से हिसाब मांगने के नाम पर जो यात्रा शुरू की हुई है, उसके लिए हम भी जन जन तक जाके प्रचार कर रहे हैं, जो क्योंकि हमारे नेता अगर दिन रात एक करके इस प्रदेश की खुशहाली और युवाओं की अच्छे भविष्य के लिए जो दिन रात वो एक कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी जनता तक जाके पार्टी के नीचे पहुँचाएं। जैसे कि हरियाणा मांगे साहब आपकी यात्रा एक चली हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मुद्दा है कि रोजगार, स्वास्थ्य और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अग्निवीर का है। अगर हमारे देश की सेना ही कमजोर कर दी जाएगी, उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर रख लिया जाएगा, तो देशभक्ति का जिनके अंदर जज्बा है वो किस हिसाब से काम करेंगे? अगर एक राजनेता भी राजनीति में आता है, किसी जनप्रतिनिधि को बनता है, को प्रतिनिधि जो करता है, तो वो भी 5 साल के लिए होता है। और हमारे जवानों को अग्निवीर के नाम पर 4 साल की जो ये इन्होंने ये स्कीम बनाई है, नहीं, 4 साल में तो जो एक आर्मी मैन होता है, जो फौजी होता है, वो ट्रेंड भी नहीं होता डरने के लिए अच्छी तरह, तो वो 4 साल के बाद उसको घर भेज देंगे, इतनी जल्दी तो वो तैयार भी नहीं होगा, तो देश को कौन संभालेगा? तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उससे बड़ा मुद्दा कि एक पेट्रोल को और गैस सिलेंडर को लेकर भाजपा जो है सत्ता में आई थी, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा लूटने का काम जो है भाजपा ने किया। और उससे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्र के चाहे वो कोई हमारे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, तो उनको एक पोर्टल के नाम के ऊपर, हाथ के ऊपर एक झोला टंगवाने का काम किया, जो हम आईडी ही बनाते जा रहे हैं, कागज इकट्ठे करते जा रहे हैं, बीच में से कुछ नहीं निकलता ना, तो वो 15 लाख खाते में आए जो बोल करके भाजपा सत्ता में आई थी, ना वो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिला जो बोल करके भाजपा सत्ता में आई थी, ना वो गैस सस्ती मिली जो 400 रुपए की तो ये महंगी बताया करते थे, और आज 1100 रुपए का सिलेंडर करके तो 200 रुपए कम करके लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का जो काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर 500 रुपए का सिलेंडर हर नागरिक तक पहुंचेगा, 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। और हुड्डा साहब ने पिछली बार भी जब वो सत्ता में आए तो पहली कलम से उन्होंने जो आम लोग हैं उनके लिए काम किए थे, और रोजगार भी दिया लोगों को, जो आम लोग हैं उनको कर्जे से बाहर करने का काम किया, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे छोटा कर्मचारी है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, सबको बराबरी के तौर पर विकास देखने को मिला।